मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। वोटिंग लाइन इस हफ्ते भी हो चुकी है क्लोज, तो जनता ने बोला कि बिग बॉस क्या हमें ग्रांटेड ले लिया है। हालांकि भाई ऐसा ही लगता है कि बिग बॉस ने जो है जनता को ग्रांटेड ले लिया है, क्योंकि जनता जो है टीआरपी इतनी ज्यादा दे रही है। आखिरकार जनता क्या बोल रही है और जनता के जहन में काफी सारे ऐसे सवाल हैं, जिन सवालों के बारे में मैं भी आप लोगों से बात करूंगी और आप लोगों को उनके आंसर भी दूंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस पिछले हफ्ते साजिद नॉमिनेशन में आए थे तो दामाद आए, तो वोटिंग लाइन तो ऑफ करनी थी, इसलिए वोटिंग लाइन ऑफ कर दी। पर अब्दुल रोजी को जो है कुछ काम के कारण बाहर भेज दिया। इस हफ्ते भी वोटिंग लाइन ऑफ कर दी, क्यों भाई? क्रिसमस आ रहा है, अब इस हफ्ते वोटिंग लाइन ऑफ, अगले हफ्ते भी कोई नॉमिनेट होगा तो भी ऑफ, क्योंकि अगले हफ्ते तो भाई इस हफ्ते क्रिसमस है, अगले हफ्ते जो है इस हफ्ते क्रिसमस है और सलमान खान का बर्थडे है। बाय द वे सलमान खान का बर्थडे कौन सी डेट को आता है हमें जरूर बताइए। फिर उसके बाद न्यू ईयर है, तभी भी वोटिंग लाइन ऑफ कर दी जाएगी। तो यानी कि अभी तभी भी कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, तो जनता बोल रही है हमें ग्रांटेड ले लिया। हालांकि जनता के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए जनता जो है रात को 10 बजे कलर्स टीवी लगा लेती है, इसीलिए देख लेती है, इसीलिए टीआरपी ज्यादा आ रही है। अगर कोई बिग बॉस की जगह पर उसी टाइम पे कहीं पर और ऑप्शन आता हुआ अच्छा, तो शायद जनता वहां पर ट्रांसफर हो जाए। पर यहीं पर मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं कि भाई वोटिंग लाइन तो ऑफ कर दी गई है, पर आप लोग किसको चाहते कि कौन हो सकता था भाई इस हफ्ते घर से बेघर, जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट। और उसी दौरान ही अगले इस टाइम पे सलमान खान का कब है बर्थडे, जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।